श्री राम समर्थ सितंबर 16। भगवान में मन लगाए और देह को प्रारब्ध पर छोड़े। सचमुच प्रारब्ध के भोग किसी को भी नहीं टलते। प्रारब्ध का संबंध देह तक ही होता है, मन से नहीं होता। देह को प्रारब्ध से सुख दुख मिलता है। दुख को कोई नहीं चाहता, किंतु दुख आता ही है। सुख का भी वैसा ही है। प्रारब्ध ने कृत कर्मों का फल यह अच्छा या बुरा भी हो सकता है। सुख के भोग आए तो आदमी को कुछ लगता नहीं, किंतु दुख का प्रसंग आने पर वह कहता है, मैंने भगवान की इतनी सेवा की, मैं फलाने फलाने सत्पुरुष का शिष्य हूँ, फिर भी मुझे ऐसा दुख क्यों भुगतना पड़ता है। किंतु वह यह नहीं समझता कि यह सब उसी के कर्म का फल है। उसमें भगवान या संत क्या करे। मान लो हमें कुछ पैसों की जरूरत है और हमारी पहचान का या करीब का कोई रिश्तेदार किसी बड़े बैंक का मैनेजर है, लेकिन हमारे खुद के नाम पर यदि बैंक में पैसा जमा न हो तो वह मैनेजर कुछ भी नहीं कर सकेगा। बहुत हुआ तो वह अपनी खुद की जेब से कुछ पैसे निकाल कर हमें देगा। उसी प्रकार हमारे नसीब में यदि सुख नहीं है तो वह हमें कहां से मिलेगा। बहुत हुआ तो कोई संत आवश्यकता अनुसार हमारा दुख खुद भोग कर हमारा बोझ हल्का करेगा। बस इसलिए अपने प्रारब्ध से प्राप्त भले बुरे फल हम देह से भोगे और मन से भगवान का स्मरण बनाए रखे। सच्चा भक्त अपनी देह को भुला हुआ होता है, इसलिए देह के भोग भोगना या न भोगना इन दोनों ही बातों की उसे फिकर नहीं होती, इसलिए वह भोग टालता नहीं। मनुष्य की देह के अवयवों में असमानता होती है, वैसे ही मनुष्य के विकार और गुण पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अर्थात नसीब के अनुसार कम अधिक मात्रा में आते हैं। हमारी देह को प्राप्त होने वाला भोग हमारे कर्मों का ही फल होता है, किंतु वह अमुक कर्म का फल है यह हम नहीं जानते, इसलिए हम उसे नसीब अर्थात प्रारब्ध कहते हैं। संसार में जैसे अनेक बनाव बिगाड़ होते रहते हैं, वैसे ही हमारी सब बातें प्रारब्ध से होती है। हम पर आने वाली आपत्तियां हमारे प्रारब्ध का फल होती है, वे भगवान की ओर से नहीं आती। वे मेहमान जैसी होती है, वे जैसे आती हैं वैसे चली भी जाती हैं। हम अपनी ओर से उन्हें न लाए और प्रारब्ध के कारण आए तो घबराए नहीं। प्रारब्ध की और ग्रहों की गति देह तक ही होती है। मन से भगवान को भजने में उनकी ओर से कोई बाधा नहीं होती। जो संत या गुरु की आज्ञा का पालन करता है उसका प्रारब्ध प्रारब्ध के रूप में नहीं रहता। भगवान के अनुसंधान की आदत डाल ले तो हमने प्रारब्ध पर मानो विजय ही प्राप्त कर ली है। आज का मुख्य विचार, जो भगवान का हो जाता है वह देह प्रारब्ध पर छोड़ सकता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.